मैं हूं अबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। कोरोना टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी की अनुमति देंगे तो 1 से 5वीं कक्षा तक क्लासेस स्कूल में शुरू की जाएंगी, शिक्षा मंत्री का बयान। शिमोगा में प्राइमरी एजुकेशन मिनिस्टर बीसी नागेश ने जानकारी दी है कि प्राइमरी स्कूल्स खोलने के लेकर टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम से बात की गई है, जिस पर वो लोग जल्द फैसला लेकर हमें सूचना देंगे। तो सरकार की ओर से जल्द ही 1 से 5वीं कक्षा तक के क्लासेस स्कूल्स में शुरू किए जाने की बात कही शिक्षा मंत्री नागेश ने। कोविड निफा वायरस का डर, सरहदी संचार को बंद किया सरकार ने। पड़ोसी राज्य केरल में कोरोना के बढ़ते मामले और निफा वायरस के डर के चलते सरकार ने मैसूरू से केरल जाने वाले रास्ते पर सार्वजनिक संचार को अक्टूबर एंड तक बंद करने का आदेश दिया है। इस मार्ग पर अब सिर्फ एम्बुलेंस और गुड्स वाहन ही सफर कर सकते हैं। शरण बसव विश्वविद्यालय में कॉन्वोकेशन प्रोग्राम, 6 लोगों को दी गई डिग्री। गुलबर्गा शहर के शरण बसवेश्वर संस्था के शरण बसव विश्वविद्यालय में कई स्टूडेंट्स और साधकों को PhD की पदवी प्रदान की गई। इस कार्यक्रम को शहर के पब्लिक स्कूल कैंपस में आयोजित किया गया था। इस मौके पर विश्वविद्यालय की VC मातोश्री द्राक्षायणी, सांसद उमेश यादव सहित और भी कई VIP लोग रहे मौजूद। गणेश विसर्जन के दौरान पुलिस अधिकारी के साथ खींचातानी की हिंदू कार्यकर्ता ने। हासन जिला सकलेशपुर तालुका में गणेश विसर्जन के दौरान भीड़ को काबू करने आए पुलिस की ओर से लाख समझाने की कोशिश करने के बावजूद भी ना माने हिंदू संगठन के कार्यकर्ता। जुलूस के दौरान सब इंस्पेक्टर के साथ खींचातानी करते नजर आए। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मामला दर्ज नहीं किया गया। सरकारी हॉस्टल में सही व्यवस्था को लेकर स्टूडेंट्स का विरोध। बीदर जिला और तालुका जो राज्य और केंद्र मंत्रियों का क्षेत्र है, जहां पर रहे सरकारी बॉयज हॉस्टल में सुबह पकाया गया खाना शाम में देने का काम करके टॉयलेट में स्वच्छता और नहाने के लिए पानी की व्यवस्था ना होने से यहां के स्टूडेंट्स विरोध जता रहे हैं। सही समय पर खाना देकर पढ़ाई में मदद करने की अपील की है इन स्टूडेंट्स ने। आखिर जाता कहाँ है सरकार का आया हुआ लाखों का पैसा। चर्च पर लगा धर्मांतरण का आरोप, हिंदू संगठन की रेड। उडुपी जिला कारकल तालुका में रहे प्रार्थना मंदिर में हिंदू समुदाय के लोगों को जबरन ईसाई धर्म में धर्मांतरण करने का आरोप लगाते हुए हिंदू जागरण वेदिके के कार्यकर्ता आकर ईसाई समुदाय के लोगों पर गुंडागर्दी की है। अगर सच में यहां इस तरह का काम हो रहा है तो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पुलिस को खबर दे सकते थे। कानून को हाथ में लेने की इजाजत इन्हें किसने दी? देश को कानून चला रहा है या ये संगठन है? ATM में चोरों की नाकाम कोशिश। हासन जिला अरसीकेरे तालुका में रहे केनरा बैंक ATM में कल देर रात 1 बजे चोरों की गैंग ATM में से पैसे चुराने की कोशिश किए, लेकिन पैसे ना निकल पाने पर वहां से फरार हुए हैं चोर। इस घटना पर सार्वजनिकों का कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड ना होने से इस तरह की घटना सामने आई है। मामला हुआ है अरसीकेरी पुलिस थाना में दर्ज। बाइक नियंत्रण खोने से दुर्घटना, युवक की हुई मौत। बल्लारी जिला होसपेट तालुका में रहे NH50 के टोल नाका पर से गुजर रहा बाइक सवार नियंत्रण खोकर डिवाइडर से टकराने के कारण मौत हुई है। इस घटना का नजारा CCTV में कैद हुआ है। मामला हुआ है मरियमन हल्ली पुलिस थाना में दर्ज। कॉफी जिले में भारी बारिश से संचार में हुई बाधा। कॉफी जिले के नाम से प्रसिद्ध चिकमंगलूर जिले में भारी बारिश हो रही है। जिले के मुड़ीगेरे चारमाड़ी घाट में भारी बारिश होने से गुड्स वाहन के संचार में बड़ी बाधा बनी है। बारिश और कॉफी की फसल उगाए किसानों में भी डर बना हुआ है कि कहीं बारिश से फसल ना बर्बाद हो जाए।
दिए गए पैसों को मांगने पर हुआ हमला। गुलबर्गा शहर के चौक बाजार इलाके में रहे गणपति को रवि कुमार नामी व्यक्ति ने पिछले 3 साल पहले 2 लाख कर्ज दिया था। मांगने गए रवि कुमार को गणपति ने जानलेवा हमला करके घर से फरार हुआ है। गुलबर्गा ग्रामीण पुलिस पीड़ित रवि कुमार का बयान लेकर मामले को दर्ज करके आरोपी को पकड़ने में जुटी है। सर सिद्धप्पा कंबली की 130वीं जयंती को मनाया गया। हुबली, बेलगाम, बीजापुर, बीदर क्षेत्रों को मुंबई रियासत से अलग करके कन्नड़ भाषिक राज्य से जोड़ने वाले सर सिद्धप्पा कंबली की 130वीं जयंती उत्सव को हुबली धारवाड़ महानगर पालिका कैंपस में पंचमशाली जिला युवा घटक की ओर से उनकी प्रतिमा पर माला अर्पण करके जयंती को मनाया गया। शराब की दुकान में लाखों की चोरी, नजारा हुआ सीसीटीवी में कैद। धारवाड़ शहर के होयसल नगर के पास रहे नटराज वाइन्स में चोरी की गई है। रात को दुकान में घुसे चोरों ने 3 लाख नकद चुराने के साथ साथ कीमती शराब की बोतलें भी चुरा ले गए हैं। इनका नजारा दुकान के सीसीटीवी में हुआ है कैद। मामला हुआ है उपनगर पुलिस थाना में दर्ज। इंजीनियर बना किसान। बागलकोट जिला मुदौड़ निवासी ओमकार कुलकर्णी नामी युवक फर्स्ट रैंक के साथ सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश की, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन से जॉब न मिलने पर अपने खेत में काम करके परिवार का सहारा बना है। ये पढ़ा लिखा इंजीनियर अपने 7 एकड़ खेत में केले की फसल को उगाकर परिवार की मदद करके कृषि के क्षेत्र में कामयाब तो हो जाएगा एक ना एक दिन, लेकिन रैंकिंग की पढ़ाई हासिल करने के बावजूद भी देश ने बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं दिया इस युवक को। ऑस्कर फर्नांडिस को मिलने पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे। पूर्व केंद्र मंत्री और कांग्रेसी नेता ऑस्कर फर्नांडिस योगा करने के दौरान गिर के मंगलुरु शहर के वेनेपोया अस्पताल में पिछले 1 महीने से इनका इलाज चल रहा है। इनके हालचाल का जायजा लेने के लिए राज्यसभा प्रतिपक्ष नायक मल्लिकार्जुन खड़गे अस्पताल में पहुंचकर जानकारी हासिल की और कहा है कि 1 महीने से वो बेड रेस्ट पर ही है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द ठीक होकर हमें फिर से पार्टी को मजबूत करने राय और मशवरों में हमारी मदद करे, कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। इन्वेस्टमेंट कंपनी से धोखाधड़ी, 4 लोग गिरफ्तार। बेंगलुरु शहर के तिलक नगर में रही इकरा वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में पैसा डबल करने का वादा करके 2 करोड़ का धोखा धड़ी का आरोप साबित हुआ है, जिसके चलते कंपनी के 4 जिम्मेदारों को तिलक नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके नाम अब्दुल नसीम हिदायतुल्ला अली बताए जा रहे हैं। फिर से बीजापुर में जलजले के झटके। पिछले कुछ दिन पहले बीजापुर में 3 बार जलजले के झटके महसूस किए गए थे, जिससे जनता में आज भी डर का माहौल बना हुआ है। इसी बीच आज सुबह सवेरे 8:18 से 20 सेकंड के बीच 2 बार जमीन हिलने के झटके 1-2 सेकंड महसूस हुए। इन झटकों को 2 और 3 मंजिला इमारतों में रहने वाले लोगों ने ज़्यादा महसूस किया है। बात पता चली है कि ज़्यादातर लोगों ने इस हल्के से झटकों को महसूस किया है। अभी जिला प्रशासन की ओर से इसकी कितनी शिद्दत थी और इसका मुख्य केंद्र कौन सा था जानकारी देना बाकी है। ऑथेंटिक सरकार की ओर से अक्सर लोग इस झटके और धीमी आवाज को महसूस करने का दावा भी कर रहे हैं शहर में। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।